सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परितंडी व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे। और मैं लग गई हूँ यहाँ पर सफाई करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पुराने साल की जितनी भी बुक्स थी वो मैं इस कार्टून में अच्छे से डाल दूंगी। जिसको ज़रूरत होगी उनको हम ये दे देंगे। और जो बुक्स बिल्कुल काम की नहीं है वो मैंने अलग करके रखी है। और जो नोटबुक्स काम आ जाएगी थोड़ा थोड़ा, वो खाली है तो वो बच्चों को रफ कॉपी की तरह हम यूज़ करेंगे और घर पे काम में लेंगे। तो ये हमारा रीयूज हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैंटीन का सामान था जो इस कार्टून में था वो मैंने खाली करके वहाँ रखा है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में कहीं रख देंगे, अरेंज कर देंगे। यहाँ पर ये होली के कपड़े धुले हुए सारे रखे हैं, जो कपड़े होली पे कलर से हो गए थे, तो ये कपड़े अलग मुझे किसी में डाल के रखना है। लड्डू गोपाल का जो रखा है ये भी सही से रखना है, बाकी सारा अरेंज करना है। तो आज मैं लग गई हूँ फुल ऑन सफाई करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परितांडी ब्लॉग्स। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम बाद हम आए हैं डोमिनोज। और हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए, मेरा पेट बहुत निकल चुका है अभी और मैं बहुत मोटी हो गई हूँ। उस पे बैठते थोड़ी है, उस पे पिज्जा रख के खाते हैं। और इस गाड़ी अच्छे से लॉक करी। पापा का अलग है, पहले देखने देना मेरे को। पापा का अलग है, और ये रिफोर वो आपकी है। सो यहाँ पर बिहू सेलिब्रेशन चल रहा है, आज बिहू है इस वजह से। और हम लोग आए थे बोगी बिल ब्रिज पिकनिक सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर शाम का टाइम हो गया, अब हम लोग जाने वाले हैं वापस। सो फ्रेंड्स, मैंने इस पिकनिक में ज़्यादा कुछ एंजॉय किया नहीं, क्योंकि अन्नू और पूनम थे नहीं, वो अलग यूनिट के थे, इस वजह से उनका पिकनिक था नहीं, मेरा ही पिकनिक था। इस वजह से हम लोग आए थे तो मैं उन लोगों को इतना मिस कर रही थी। और अन्नू की आज शाम को है ट्रेन, अन्नू जा रही है अभी छुट्टी, इस वजह से कहीं ना कहीं वो भी दिमाग में चल रहा था कि अन्नू पैकिंग कर रही है, अन्नू चली जाएगी, अन्नू के बिना कैसे रहेंगे। तो इस वजह से मन थोड़ा सा उदास उदास सा था, तो मैंने ज़्यादा कुछ पिकनिक में एंजॉय किया नहीं, न मैंने यहाँ पर ब्लॉग शूट किया, क्योंकि मैं ब्लॉग शूट अन्नू और पूनम होती है तभी कंफर्टेबल उनके साथ शूट करती हूँ।
और अभी बस जा रहे हैं हम वापस घर की तरफ। फाइनली हम अन्नू को छोड़ने आ गए हैं रेलवे स्टेशन, पूरा दिन पिकनिक एंजॉय करने। ये पूनम हमेशा की तरह छोड़ने आई है, एंड ये हूँ मैं और अन्नू दोनों जा रहे हैं। मैं भी जोधपुर जा रही हूँ। बाय बाय। और पूनम हमें बिल्कुल भाव नहीं दे रही है, और अन्नू बिचारी अपने पेटी ढोलक धार्मिक का सब साथ में लेके जाती हुई। चलो राजधानी एक्सप्रेस 7:55। चलो ये आ गई है ट्रेन। अन्नू को मिस करोगे? नहीं, थोड़ा सा तो करेंगे यार। अन्नू की मम्मी का फोन आया हुआ है। मम्मी जी अन्नू थोड़ी देर ट्रेन में बैठ के फिर आपको कॉल करेंगे। ये पिकनिक हो गया। मैं पार्टी हाँ, मैं आज पिकनिक में गई थी। अभी हमारे बैग का क्या मना, इसको छोड़ने आने पे आई लाइनर और ये सब लगा के नहीं आते। जिसको जाना वो तो लगा के आई नहीं। हम बहुत अनु यार सच में मिस करेंगे यार। ये फॉर्मेलिटी नहीं है ना, सही करना। हम चाहते हैं कि गाड़ी शादी में बहुत परेशान करेंगे। और अन्नू के जितने भी रिलेटिव्स हैं जो ये वाला ब्लॉग देखेंगे, प्लीज आपसे नम्र निवेदन है, कोई भी धार्मिक को नहीं रखेगा, धार्मिक को हाथ नहीं लगाएगा। अन्नू अन्नू अकेली रखेगी धार्मिक को। खबरदार किसी ने अगर धार्मिक को रखा तो ये मेकअप करवाएगी, रेडी होएगी और खुद रखेगी धार्मिक को। ये उसकी जिम्मेदारी है, उसका बेटा है। आप लोग कोई मत रखना प्लीज मेरे लिए, ताकि उसको हमारी वैल्यू पता चले। ये लो बेबी आपके लिए, उसको किटकैट लेनी है। दिस इज फॉर यू, पकड़ो, एक्सेप्ट करते हैं, पकड़ो, बोलो ओके आंटी, वेलकम बेबी।